साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है धेय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 कराई गई है उसी को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चन को हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं और नेक्स्ट 75 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। तो चार चीज़ें दी गई हैं। देखिए, दीवाने रिसालत जो है ये न्याय विभाग से संबंधित नहीं रहा है। दीवाने रिसालत जो है ये विभाग धार्मिक मुद्दों से संबंधित रहा है, ना कि न्याय विभाग से। इसलिए ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि दीवाने बंदगान दास विभाग से, दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से और दीवाने बिजारत जो है वित्तीय मामलात से संबंधित रहा है। आगे चलते हैं। अगला है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास चार कथन दिए गए हैं, मतलब चार कथन है और बताना है इनमें से कौन से कथन जो है गलत हैं इन चारों में से। तो आप देखें यहाँ पर पहला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, तो ये गलत है। क्योंकि देखिए, शुद्ध अरबी के सिक्के सबसे पहले इल्तुतमिश चलाए थे तथा सिकंदर लोदी, जो पहला कथन है कि ये गलत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुद्ध अरबी के सिक्के नहीं चलाए थे बल्कि इल्तुतमिश चलाए थे और सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजाने में हिस्सा लिया। ये कथन भी आपका गलत है क्योंकि सिकंदर लोदी ऐसा सुल्तान हुआ जिसने गड़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया था। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरे की बात करें कि फिरोज तुगलक ने खुम्स अर्थात लूट के धन में 4/5 भाग सैनिकों को था, 1/5 भाग राजकोष में दिया। ये कथन सही है। और वहीं चौथा, अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक सेवाओं में प्रजातीय विभेदीकरण की नीति को समाप्त किया। ये कथन भी आपकी सही है। तो पहला, दूसरा गलत है, तीसरा, चौथा सही, इसलिए आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 77 नंबर क्वेश्चन कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, इसमें अभिकथन दिया गया है कि सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। ये कथन आपका सही है। कारण, वह राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखना चाहता था इसलिए उसने आगरा नगर की स्थापना की थी। तो कथन कांड दोनों सही और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, लोदी वंश के शासक सिकंदर लोदी ने 1504 में, ध्यान रखिएगा, 1504 में आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। उसने आगरा नगर की स्थापना राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। अगला प्रश्न है 79 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास चार कथन दिए गए हैं और बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। तो देखिए, पहला, सिकंदर लोदी के बारे में, जो कि लोदी वंश का था, उसने गज ए सिकंदरी नामक पैमाना चलाया। ये कथन सही है। दूसरा, उसने मुहर्रम पर ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये कथन भी सही है। तीसरा, उसने जकात अर्थात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। ये भी सही है, ठीक है। चौथा, वह तबला बजाने का शौकीन था। नहीं, ये कथन गलत है। वह तबला बजाने का शौकीन नहीं था बल्कि वह सहनाई सुनने का शौकीन था। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है, इसलिए आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3। देखिए, सिकंदर लोदी धार्मिक रूप से कट्टर सुल्तान था। उसने मुहर्रम पर ताजिया निकाला था, मजारों पर महिलाओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सुल्तान का शासनकाल विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। तो यह है फिरोज शाह तुगलक का काल जो है वो विजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। तुगलक वंश सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला वंश रहा है। और देखिए, इसमें भी यदि सुल्तान के रूप में देखें तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल बिजारत के सर्वाधिक अनुकूल था, इसलिए उसके शासनकाल को बिजारत का स्वर्णकाल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सही कथन कौन से हैं। यहाँ पर आप देखें, पहला, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभा के शासनकाल में निर्मित हुआ था, ये कथन सही है। दूसरा, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। नहीं, शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर तो आप देखें, ध्रुवदास की रचना रसिक प्रिया नहीं है बल्कि क्या है, भगत नामावली है। मुल्ला दाऊद की रचना जो है चंदायान है। तो यहाँ पर आप देखें तो जो भगत नामावली किसकी है, ध्रुवदास की है। और मुल्ला दाऊद की क्या है, चंदायन है। नाभादास की भक्तमाला है, तो ये सही है, सी वाला सही, भक्त नाभादास की भक्तमाला है।
और आपकी केशवदास की क्या है, रसिक प्रिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको सुमेलित कर दें, मतलब इसमें सही वाला बताना कौन सही, तो सी वाला ऑप्शन सही है, नाभादास की रचना भक्तमाल है। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, इमारत और वो किस स्थान पर है, इन्हें हमें सुमेलित करना है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है ये अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में, तो चार से मिला दीजिए। जहाज महल कहाँ है, जहाज महल आपका मालवा में है। कहाँ पर है, मालवा में, तो इसे दो से मिला दीजिए। पहला वाला आप चार से मिलाएंगे, इसको दो से मिलाएंगे। अटाला मस्जिद कहाँ पे, अटाला मस्जिद जौनपुर में है। नहीं, गड़बड़ होगा थोड़ा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा अजमेर में, चार से मिलाएंगे। जहाज महल मालवा अर्थात तीन से मिलाएंगे इसे ना। अटाला मस्जिद जौनपुर में है तो दो से मिलाएंगे। तीन दरवाज़ा कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में है तो वन से मिला देंगे। तो 4321, 4321 हो जाएगा, 4321 अर्थात आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। मधुरा विजयम, मधुरा विजयम किसकी कृति है, किसकी रचना है, तो मधुरा विजयम जो है वो गंगा देवी की कृति है। किसकी है, गंगा देवी की। देखिए, मधुरा विजयम गंगा देवी की कृति है जिसमें उन्होंने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया। जो गंगा देवी की कवित्री हैं, इन्होंने, कवित्री ने इसे वीर कंपाराय चरितम भी कहा है, क्योंकि इसमें विजयनगर साम्राज्य के राजकुमार कुमार कंपन का जीवन चरित्र या इतिहास वर्णित है। इस काव्य में मदुरै पर विजयनगर साम्राज्य की विजय का विस्तृत वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था, तो ये कौन था, ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया था, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, पश्चिमी तट पर से तोंडी, तोंडी एक समृद्ध पत्तन था, किसका था, तो तोंडी ये आपका किसका था, चेरों का, चेरों का, ठीक है। पश्चिमी तट पर जिधर आपका मालाबार तट है, जिधर केरल वाला हिस्सा है, इधर आपका चेर साम्राज्य था। तो देखिए, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तोंडी बंदरगाह से भारत एवं रोम के मध्य व्यापार किया जाता था। यह चेर शासकों के राज्य के तहत शामिल था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा है, तो बहमनी राज्य के साथ इनका संघर्ष चलता रहा है, ठीक है, बहमनी राज्य के साथ में। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सत्य कथन कौन से है। पहला, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने अकबर के पूर्व तानसेन को संक्षण दिया था। देखिए, जो तानसेन थे पहले भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में थे, तो उन्होंने संक्षण दिया, बाद में ये अकबर के दरबार में जाते हैं और अकबर संक्षण देते हैं, पहला सही है। दूसरा, राजा सावंत सिंह नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखते थे, नागरी दास के नाम से, तो ये दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, 89 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए, यहाँ पे चार कथनों में से जो असत्य है उसको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर पहला है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों द्वारा किया गया था। अलवार संत जो विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं, कामरूप के प्रसिद्ध संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय समेत, सही है। विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन रामानुजाचार्य ने किया, सही है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, ये कथन गलत है, क्योंकि पुष्टि मार्ग के दर्शन को वल्लभाचार्य ने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है आपका गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, तो किस शासक के समय की थी, तो उस समय शासक कौन था, उस समय शासक आपका सिकंदर लोधी, और ये बाबर के ही समकालीन थे, ठीक है। देखिए, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल जो है आपका 1489 से 1517 तक रहता है, किस समय की थी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गोरी को हराया था, किसने पराजित किया था, तो ये थे भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने जो है माउंट आबू के करीब मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। कब, 1178 ईस्वी में, या मोहम्मद गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। आगे बढ़ते, 92 नंबर क्वेश्चन है कि दो सूचियां हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्ह और उनका अर्थ क्या है। जन्म से संबंधित चिन्ह कौन सा है, कमल है, जन्म से संबंधित आपका कमल है। निर्वाण से संबंधित पदचिन्ह है वन से। ज्ञान से संबंधित क्या है, ज्ञान संबंधित जो है बोधि वृक्ष है। और प्रथम प्रवचन धर्मचक्र प्रवर्तन है तीन। तो देखिए, जन्म का संबंध कमल से है, निर्वाण का पदचिन्ह से है, निर्वाण का जो है, निर्वाण का
पदचिन्ह है, वहीं ज्ञान का बोध वृक्ष और प्रथम प्रवचन का जो है धर्मचक्र प्रवर्तन है। इस प्रकार से आपका 2143 बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है सूफी संतों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना, इन चारों में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। देखिए इसमें पहला, शेख निजामुद्दीन औलिया फरीदुद्दीन गजे शंकर, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते हैं, के शिष्य थे, सही है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक यही थे, ये कथन भी सही है। तीसरा, अमीर खुसरो को भारत का शादी कहा जाता है, ये कथन गलत है। अमीर हसन दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण भारत का शादी कहा जाता है, ना कि अमीर खुसरो को। तो इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। डी, शेख नासरुद्दीन महमूद को चिरागे दिल्ली की पदवी प्राप्त हुई थी, ये कथन आपका सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी उदारता था गरीबों की सहायता करने के कारण अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था, तो ये उपाधि दी गई थी इब्राहिम आदिल शाह। बीजापुर के शासक थे, तो बीजापुर का शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का संरक्षक था। उसकी उदारता था गरीबों की सहायता करने के कारण उसे अबला बाबा या निर्धनों का मित्र कहा जाता था। उसकी प्रजा उसके उदार और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। अगला है, होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी, तो होयसल की राजधानी द्वार समुद्रम थी, जो वर्तमान में कर्नाटक के हसन जिले के हलेविडु में अवस्थित थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, गुजरी महल का निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण जो है वो राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था, ये कथन आपका सही है। दूसरा, पश्चिम बंगाल के पांड्या स्थित अदीना मस्जिद का निर्माण सिकंदर शाह ने करवाया था, ये कथन आपका सही है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने बूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण कराया था, तो किस शासक ने बूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण कराया था, तो इसका निर्माण जो है जैनुल उल आबिदीन ने करवाया था, ठीक है। ये कश्मीर के जम्मू कश्मीर का शासक था। थोड़ा सा और बातें करें, देखिए शाही खान जैनुल उल आबिदीन के नाम से पूरा नाम था शाही खान था, इसने जो है जैनुल उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर ये अपना राज तिलक करवाता है। वह कश्मीर का सबसे महान शासक माना जाता है। इसने बूलर झील में जैना लंका नामक द्वीप का निर्माण करवाया था। इसकी उदारता का इसकी तुलना मुगल में बादशाह अकबर से की जाती है। इसे जम्मू कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। चार कथनों में से असत्य कथन कौन सा है, तो पहला देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने संस्कृत में अमुक्तमाल्याद की रचना की थी, तेलुगु भाषा में इन्होंने अमुक्तमाल्याद की रचना की थी, तो ए ऑप्शन गलत है। अगला है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन की रचना की थी, ये कथन आपका सही है। सी ऑप्शन, राजा भोज ने समरांगण सूत्रधार की रचना की थी, ये भी सही है। सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी, ये भी सही है। 99 नंबर देखें, निम्न यात्रियों के भारत आने का सही अनुक्रम क्या है, तो देखिए भारत आने का इन चार यात्री अलबरूनी अब्दुलरज्जाक इब्न बतूता मनुची का जो कालक्रम है, यदि आप हम देखें तो सबसे पहले अलबरूनी इसमें सबसे पहले आते हैं। देखिए महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय अलबरूनी भारत आया था, यहाँ पर पहले आ जाएंगे अलबरूनी वन। फिर इसके बाद मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आता है, यहाँ पर तीन हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखें अब्दुलरज्जाक ईरानी यात्री अब्दुलरज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो। देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है, ठीक है, और वहाँ पर हरिहर का पहले शासन करते हैं। उसके बाद आपके आते हैं देवराय द्वितीय, जिनके शासनकाल में अब्दुलरज्जाक आते हैं। तो यहाँ पर अलबरूनी, फिर इब्न बतूता, फिर अब्दुलरज्जाक। फिर मनुची की बात करें तो बेनिश निवासी मनुची ने दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की थी, तो ये काफ़ी बाद में मुगल साम्राज्य के तहत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चार हो जाएगा, तो 1324 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम विद्वान हिंदी साहित्य में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, तो इन चारों में से आप देखें तो यहाँ पर आपका अब्दुल रहीम खान खाना को बी ऑप्शन जो है
को हिंदी साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रहीम सत्सई दोहों का संग्रह है। रहीम सत्सई 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनतकालीन प्रमुख कर था उनके प्रकार के युग्मों में से कौन सा या से सत्य है। यहाँ पे तीन युग्म दिए गए हैं कर और उसके प्रकार। पहला है आपका पहला जजिया। जजिया क्या था? गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर जजिया कर था। सही है। जकात मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। खुम्स युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन होता था। तो तीन के तीनों यहाँ पर सही है। उपरोक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना और उसके लेखक। रचना और लेखक में तो देखिए इन तीन युग्मों में उपरोक्त युग्मों से कौन सा या से सही सुमेलित है ये हमें बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें बृहद कथा कोश के रचनाकार कौन रहे? हरिश्चंद्र रहे। सही है। अष्टाध्यायी के पढ़नी थे ये सही है। लीलावती जो है नागार्जुन की पुस्तक नहीं बल्कि ये भास्कराचार्य की पुस्तक है। लीलावती जो है भास्कराचार्य की पुस्तक है। तो पहला दूसरा सही है। तीसरा वाला आपका सही नहीं है। तो 1-2 सही हो जाएगा अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सन 1528 ईस्वी में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध बाबर द्वारा निम्नलिखित में से किस सम्राट के विरुद्ध लड़ा गया था। तो चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के मध्य में लड़ा गया था। ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। जबकि 1526 में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच में खानवा का युद्ध 1526 में होता है। और वहीं 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। तो 1527 में बाबर तथा राणा सांगा के बीच में घाघरा का युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला है शेरशाह सूरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है चार कथनों में से। तो देखिए पहला चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह को पराजित किया था। ये कथन गलत है। चौसा के युद्ध 26 जून 1539 को होता है। कब होता है? 14 जून 1539 को। इसमें शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। तो पहला वाला आपका गलत कथन है। दूसरा बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया ये सही है। तीसरा दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह ने करवाया था सही है। सड़क ए आजम का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था ये भी सही है, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है अकबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य कथन है यहाँ पर। तो आप देखें यहाँ पर आपके पास चार कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कौन सा। पहला अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त की। ये सन याद रखें, कई बार इसको क्रम लगाने के लिए पूछ लेता है। तो अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा समाप्त कर दी सही है। अकबर ने 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया ये भी सही है। अकबर ने 1564 में जजिया कर समाप्त किया ये भी सही है। और आपका चौथा अकबर ने 1565 में घोड़ों को दागने की प्रथा समाप्त कर दी ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 1565 में नहीं करता है। और देखिए ये समाप्त नहीं करता है। 1573 ईस्वी में अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा जो पहले बंद हो चुकी थी पुनः प्रचलित किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें। ठीक है। तो यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा वाला आपका गलत है। तो यहाँ पे 1-2-3। तो थोड़ा सा घटनाक्रमों का कार्यक्रम भी आप याद रखिएगा। जैसे सबसे पहले 1562 में दास प्रथा समाप्त करता है, फिर अगले साल 63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करता है, फिर अगले साल 64 में जजिया कर समाप्त करता है, और 1573 में क्या करता है, घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रारंभ करवाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। तो देखिए अकबर की शासन व्यवस्था जो है या सैन्य व्यवस्था मनसबदारी पर आधारित थी। मनसब का अर्थ क्या होता है? मनसब का मतलब था श्रेणी या पद। यह व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अगला है जहांगीरी महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जहांगीरी महल का निर्माण जो है अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के लिए आगरा के किले में करवाया था। तो सलीम के लिए कराया था। तो सलीम कौन था? जहांगीर। ठीक है। जहांगीरी महल मतलब जहांगीर का। तो ध्यान रखिएगा कहां बनवाया था? आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण कराया था सलीम अर्थात जहांगीर के लिए। लीलावती का फारसी अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया था। तो लीलावती का फारसी अनुवाद जो है वो फैजी ने किया था। किसने किया था? फैजी ने किया था। और वहीं यदि अब्दुल कादिर बदायूनी की बात करें तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी अनुवाद किया था। फैजी ने लीलावती का फारसी अनुवाद किया था, अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है रामायण का फारसी अनुवाद किया था। वहीं अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी अनुवाद किया था। तो ये महत्वपूर्ण है, इन्हें याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में कौन अकबर कालीन चित्रकार नहीं है, अकबर के काल संबंधित चित्रकार नहीं है इन चारों में से, हरिवंश, वसावन, मिशकिन, शेख मुबारक। तो देखिए इसमें आपका हरिवंश, वसावन, मिशकिन ये सभी जो हैं अकबर कालीन थे, क्योंकि अबुल फजल ने आईने अकबरी में, अबुल फजल ने आईने अकबरी में हरिवंश, दशवंत, वसावन, मिशकिन, तारा आदि अकबर कालीन चित्रकारों के नाम उल्लिखित किए हैं, इसमें शेख मुबारक का नाम नहीं आता है। तो डी ऑप्शन। अगला है विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किस शासक ने दी थी, तो विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि जो है जहांगीर ने दी थी, जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था, जहांगीर ने दी। देखिए विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भेजा जाने वाला प्रथम अंग्रेज प्रतिनिधि था, जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया था, इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है कि दो सूचियां दी गई हैं गुप्तकालीन शासक और उनकी उपाधियां क्या रही हैं। देखिए स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी, स्कंदगुप्त की उपाधि थी क्रमादित्य, स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी क्रमादित्य थी, तो क्रमादित्य अर्थात 4 से मिलाइए, कुमारगुप्त की, कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य थी 1 से मिलाइए, चंद्रगुप्त प्रथम की, चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजाधिराज थी तो 2 से, चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी इनकी उपाधि थी विक्रमादित्य 3 से मिला दीजिए तो 4 1 2 3। फिर से देख लीजिए स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी क्रमादित्य, कुमारगुप्त की महेंद्रादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम की महाराजाधिराज, चंद्रगुप्त द्वितीय की विक्रमादित्य, तो 4 1 2 3 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 112 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है, तो यह उपाधि जो दी गई है किसको, फिरदौसी को दी गई, फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है इन चार युग्मों में से, तो आप देखें पहला निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी आगरा में है, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, परंतु हुमायूं का मकबरा आगरा में नहीं है बल्कि दिल्ली में है, यह चारबाग शैली में बना है, तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है इन चार कथनों में से, तो आप यहाँ पर देखें पहला शाहजहां ने कवि सलीम, शाहजहां ने कवि कवि कलीम जिन्हें जिनका नाम अबू जलीह रहा है, तो शाहजहां ने कवि कलीम को राजकवि नियुक्त किया, ये कथन आपका सही है। दूसरा मुमताज महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था मुमताज महल का, ये भी सही कथन है। तीसरा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, ये कथन आपका गलत है क्योंकि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जहांगीर ने नहीं कराया था बल्कि शाहजहां ने कराया था। देखिए जहांगीर का काल जो है वो चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध रहा है जबकि शाहजहां का काल जो है स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है वो शाहजहां ने करवाया था। अगला जो डी है शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी, ये कथन सही है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता ने दिल्ली की यात्रा की, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता ने दिल्ली की यात्रा की, इसने अपना यात्रा वृतांत किताब उल रहला में दिया है, यह यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखा गया, तो किताब उल रहला जो है ये अरबी भाषा में, किस भाषा में है अरबी भाषा में लिखा गया। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म या एक युग्म जो है वो सही सुमेलित है, सुमेलित नहीं है ये बताना, तीर्थंकर और जैन तीर्थंकर और जन्मस्थान उनका कहाँ है, तो देखिए ऋषभनाथ का जन्मस्थान कहाँ रहा है अयोध्या, पार्श्वनाथ का वाराणसी, ऋषभनाथ जो पहले रहते हैं इनका अयोध्या है, दूसरे मतलब अगले जो हैं पार्श्वनाथ इनका वाराणसी में है, पद्म प्रभु का चित्रकूट, पद्म प्रभु का ये जैन धर्म के छठे तीर्थंकर थे, इनका जन्म जो है जन्मस्थान चित्रकूट नहीं बल्कि कौशाम्बी था, तो ध्यान रखिएगा पद्म प्रभु का जन्मस्थान कौशाम्बी रहा है, वहीं शंभवनाथ का जो है वो श्रावस्ती रहा है। आगे बढ़ते हैं मज्म उल बहरीन किसकी रचना है, तो मज्म उल बहरीन जो है ये दारा शिकोह की मूल रचना है, किसकी है दारा शिकोह की। उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर ए अकबर के नाम से की थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब की पुत्री नहीं थी, औरंगजेब की पुत्री कौन नहीं थी, देखिए औरंगजेब की तीन पुत्रियाँ थीं मेहरुनिशा, जेबुनिशा और जिनतुनिशा, जहां आरा ये औरंगजेब की बहन थी मतलब शाहजहां की पुत्री थी ना कि औरंगजेब की पुत्री, तो जहां आरा ध्यान रखिए जहां आरा औरंगजेब की बहन थी और शाहजहां की पुत्री, तो डी बी ऑप्शन। अगला है
निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, कौन सा कथन जो है यहाँ पर असत्य है चार कथनों में से। तो आप देखें, मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, असत्य कथन खोजना है। तो देखिए, मुगल सम्राट जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया, सही है। मुगल प्रशासन में मुहतशिब लोक आचरण का अधिकारी होता था, मुहतशिब जो है लोक आचरण का अधिकारी होता था, ये कथन सही है। सी, मुगल शासन में मदद ए माश, मुगल शासन में मदद ए माश सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन थी, नहीं। मुगल शासन में मदद ए माश विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को कहते थे, ठीक है। तो सी सही नहीं। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी होता था, ये सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था, जहांगीर से संबंधित चित्रकार कौन सा नहीं था इसमें। देखिए, अकारिजा, मनोहर, माधव, ये जहांगीर कालीन चित्रकार थे। अकारिजा, मनोहर, माधव, अबुल हसन, मोहम्मद मुराद आज जहांगीर कालीन है, जबकि जो मीर सैयद अली हैं, मीर सैयद अली तथा अबू समद, मीर सैयद अली और अबू समद ने हुमायूं के काल में मुगल चित्रकला की आधारशिला रखी थी, डी ऑप्शन हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी। तो तानसेन को कंठा भरण वाणी विलास की जो उपाधि है वो अकबर ने दी थी, किसने दी थी, अकबर ने दी थी, ठीक है। देखिए, अकबर के नौ रत्नों में से एक संगीतज्ञ तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, और अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाकर कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्न राज्यों की विजय को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे चार राजा, रणथंभौर, चित्तौड़, गुजरात, मालवा, इसमें आप देखें इसमें सबसे पहले कौन सा जीतते हैं, सबसे पहले ये जीतते हैं गुजरात, सबसे पहले गुजरात जीतते हैं, तीन गुजरात 1298 से 99 में, फिर 1301 में रणथंभौर जीतते हैं, फिर 1303 में जो है चित्तौड़ जीतते हैं, और फिर आपका 1305 में मालवा जीतते हैं, 1305 में मालवा जीतते हैं, 1308 में मारवाड़ और 1311 में जालौर की विजय करते हैं। तो 3-1-2-4 हो जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर मालवा है, ध्यान रखिए, गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, फिर मालवा आता है। अगला, निम्नलिखित में से किस शासक ने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। यह एक उदार शासक था, इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त का संबंध किससे है, तो पुरुष सूक्त का संबंध किससे है, वर्ण व्यवस्था से है। ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से, ऋग्वेद के दसवें मंडल के पुरुष सूक्त से वर्ण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। अगला है, हम्पी किस वंश की राजधानी थी। तो हम्पी जो है आपकी होयसल वंश की, किसकी थी, होयसल वंश की राजधानी थी, अर्थात ये विजयनगर। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी, तुंगभद्रा नदी के किनारे अवस्थित थी, यहाँ पर होयसल वंश होना चाहिए वैसे, ठीक है। छठवां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, करंट क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं अब यहाँ पर। तो छठवां उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी 2023 को मनाया गया। इस सम्मेलन की मुख्य विषय वस्तु क्या थी, तो इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या थी, निवेश एवं रोजगार, अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि P75 परियोजना के तहत निर्मित कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। तो यह है आइनस बागीर को, किसको किया गया, आइनस बागीर को शामिल किया गया, ठीक है, जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में से शामिल किया गया। यह इस श्रेणी की पांचवी पनडुब्बी है। इन पनडुब्बियों का निर्माण मझगांव डाक से बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा फ्रांस के सहयोग से किया गया है। अगला है, जनवरी 2023 में वैश्विक निवेश सम्मेलन GIS 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका विषय क्या था, मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य था। अगला है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। तो 16 जनवरी को, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसको मनाने की घोषणा जो है वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला है, जनवरी 2023 में महाराष्ट्र के नागपुर शहर में आयोजित
108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो कि जनवरी 2023 में हुई थी, इसकी विषय वस्तु रही है, ठीक है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुई थी। अगला है, जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी दिवस का आयोजन स्थल कहाँ था? तो इसका आयोजन जो है मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। और इसका विषय क्या था? अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। आगे बढ़ते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था जनवरी 2023 में? तो ये किया गया था आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था, जिसका केंद्रीय विषय था विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। अगला है, जनवरी 2023 में नलिन नेगी निम्नलिखित में से किसके अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं? नलिन नेगी, तो ये जो है नलिन नेगी भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। अगला है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? कैप्टन शिवा चौहान। कौन है? कैप्टन शिवा चौहान है, ठीक है। इन्हें मई 2021 में इंडियन रेजिमेंट में कमीशन मिला था। अगला है, जनवरी 2023 में 11वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? जनवरी 2023 में 11वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में किया गया 11वें जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन का। इसका विषय वस्तु क्या थी? ऊर्जा पारेषण एक सतत भविष्य के लिए समाधान था, एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। अगला है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से कौन सीमा सड़क संगठन BRO के विदेशी प्रोजेक्ट में तैनात होने वाली प्रथम महिला अफसर बनी है? तो इनका नाम क्या है? सुरभि जखमोला। इन्हें BRO के प्रोजेक्ट दंतक के तहत भूटान में तैनात किया गया। अगला, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्कर्ष 2.0 के नाम से अपनी मध्यम अवधि की रणनीति की रूपरेखा शुरू की गई है? यह शुरू किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, RBI के द्वारा, ठीक है। इसे यह वर्ष 2023 से 25 के लिए है। जनवरी 2023 में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जनवरी 2023 में किस देश के ओडिशा शहर को यूनेस्को द्वारा लुप्त प्राय विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है? तो किसको? ओडिशा शहर जो है कहाँ का है? यूक्रेन का है, ठीक है। यूक्रेन के ओडिशा शहर को यूनेस्को द्वारा यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व विरासत समिति की बैठक में लिया गया। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य में सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना हेतु केंद्र सरकार द्वारा निवेश को मंजूरी प्रदान की गई है? तो ये कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। सुन्नी बांध जल परियोजना जो है वो कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की। किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो जो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें भारत का स्थान जो है कितना था? 112वें स्थान पर था। और इसे जारी कौन करता है? यह सूचकांक अमेरिकी थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन था? नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड था। अगला है, रूनी वर्णमाला में लिखित विश्व के सबसे प्राचीनतम शिलालेख रून स्टोन की खोज कहाँ की गई? तो रून स्टोन की खोज जो है ये कहाँ पर की गई? नॉर्वे के ओस्लो में की गई। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। यह शिलालेख लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जनवरी 2023 में डॉक्टर बालकृष्ण विट्ठल दास दोषी का निधन हो गया। ये क्या थे? ये वास्तुकार थे। क्या थे? वास्तुकार थे। इन्हें 2018 में प्रतिजगर
आर्किटेक्चर प्राइज मिला था और ये यह प्राइज पाने वाले पहले भारतीय थे। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि जनवरी 2023 में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल कहाँ पे था? तो इसका आयोजन जो है गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। इसका थीम क्या थी? स्वास्थ्य एवं भलाई हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को समझना, स्वास्थ्य एवं भलाई हेतु पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था। अगला है जनवरी 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला, जनवरी 2023 में यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह देश बना है क्रोशिया, क्रोशिया यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश बना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके साथ ही क्रोशिया यूरोप का वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र शेंगेन में शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2023 में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साड़ी महोत्सव का आयोजन किस नाम से किया गया? तो ये जो है आपका विरासत नाम से, विरासत नाम से किया गया, नई दिल्ली में किया गया था। इसका आयोजन वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। अगला है जनवरी 2023 में राज्य मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में संपन्न हुआ। इसका शीर्षक क्या था? वर्ष 2047 के लिए वाटर विजन। अगला है जनवरी 2023 में प्रारंभ की गई बाइंड योजना किससे संबंधित है? बाइंड योजना, तो देखिए बाइंड योजना प्रसार भारती एवं दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित। बाइंड का फुल फॉर्म क्या है? बी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, तो आपका ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रसार भारती एवं दूरदर्शन के बुनियादी ढांचे के उन्नयन से। अगला है जनवरी 2023 में आई एफ ओ एम ऑर्गेनिक्स इंटरनेशनल द्वारा जारी डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान, जैविक खेती करने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ठीक है, तीसरे पे है, पहले पे अर्जेंटीना है, दूसरे पे उरुग्वे है। ध्यान रखिएगा पहले पे अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों ही दक्षिण अमेरिका के देश हैं, तीसरे पे आपका भारत है। अगला है जनवरी 2023 में निम्न से किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? पूर्वोत्तर राज्य का है। ठीक है, सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सहर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया है? तो इसे प्रारंभ किया है आपका किसने? त्रिपुरा ने। ठीक है, इसे आपका त्रिपुरा ने प्रारंभ किया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला है कि यहाँ पर आपके पास दो कथन दिए गए। जनवरी 2023 में वरुण 2023 वायुसेन अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य में किया गया, भारत और फ्रांस के मध्य में किया गया। ठीक है, और दूसरा कथन है कि इसका आयोजन इस सर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर किया गया था। तो बताना इनमें से सत्य कथन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप देखें पहला कथन गलत है, क्यों? क्योंकि ये वायुसेन अभ्यास नहीं, नौसेन अभ्यास है। ठीक है, भारत और फ्रांस के मध्य में, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। दूसरा, इसका आयोजन इस तरह हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में नहीं था। देखिए ये दो चरणों में होता है, पहला चरण जो है जनवरी में आपका जो होता है कहाँ पर होता है? पश्चिमी तट पर होता है, भारत के पश्चिमी तट पर, और दूसरा चरण जो है अरब सागर में होता है। तो यहाँ पर दो के दोनों कथन गलत हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।